तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे Realme के X7 Max के बारे में। तो गाइस, Realme का जो X7 Max है, ये जल्द ही आपको इंडिया में मिलने वाला है और ये आपको Realme की X7 सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो पूरा का पूरा रीब्रांडेड होगा Realme के X7 Pro Ultra का, जो आपको रिसेंटली चाइना में देखने के लिए मिला है। वही जो सेम स्मार्टफोन होगा वो आपको इंडिया में Realme X7 Max के नाम से देखने के लिए मिलेगा। और लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन के जो रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट है वो लीक होकर आ गए हैं, और उसके साथ ही इसके जो कलर्स है वो भी लीक कर दिए हैं टेक रडार ने। तो गाइस, अकॉर्डिंग टू टेक रडार, Realme का जो X7 Max होगा इसमें आपको दो वेरियंट देखने के लिए मिलेंगे, 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज। और उसके साथ ही ये जो स्मार्टफोन होगा वो इंडिया में तीन कलर के साथ आएगा। एक आपको मर्करी सिल्वर मिलेगा, एस्ट्रॉइड ब्लैक मिलेगा और मिल्की वे देखने के लिए मिलेगा। तो आपको तीन कलर्स मिलेंगे Realme के X7 Max में, और इसकी जो प्राइस होगी वो आपको 28,000 से लेकर 30,000 के बीच में स्टार्ट होकर देखने के लिए मिलेगी। 28,000 से नीचे आपको इसकी प्राइस देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप लेकर चलो कि अंडर 30,000 रुपीज में आपको ये स्मार्टफोन मिलेगा, और ये आपको एक अफोर्डेबल फ्लैगशिप स्मार्टफोन मिलेगा Realme की तरफ से। तो वैसे तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलती है Realme के X7 Pro से, बट यहां पर आपको कर्व्ड एजेस वाली डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जो इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन की, तो इस स्मार्टफोन में आपको 6.55 इंच की एक कैमलेट डिस्प्ले मिलती है, जो 90 हर्ट्ज पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। और यहाँ पर आपको Realme की तरफ से पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको कर्व्ड एजेस वाले डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। और अगर हम बात करें इसके कैमरास की, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होगा। सेल्फी के लिए इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक जैसे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 1000 प्लस वाला प्रोसेसर मिलता है, जो आपको MediaTek की तरफ से एक फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जो 5G का सपोर्ट है वो इनबिल्ड देखने के लिए मिल जाएगा, और जो परफॉर्मेंस होगी वो भी स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 67W की डॉट फ्लैश चार्ज का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा Realme की तरफ से। और इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस होगी वो आपको 7.8 mm देखने के लिए मिलेगी, और इसका जो वेट होगा वो आपको 170 ग्राम देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज, अगर हम बात करें इसकी चाइना प्राइस की, तो चाइना में ये जो स्मार्टफोन है वो 28,000 rupees से स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज मिलती है। तो सेम वेरियंट आपको इंडिया में भी मिलेंगे, और इंडिया में इसकी प्राइस मेरे अकॉर्डिंगली 29,000 या 30,000 से स्टार्ट होकर देखने के लिए मिल सकती है। तो देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइस के साथ लॉन्च होता है। और रही बात इसके इंडिया लॉन्च की, तो इंडिया में ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको मई के मंथ में मिलेगा। तो आप लेकर चलो कि मई के फर्स्ट वीक या मई के लास्ट वीक में आपको ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि Realme का जो 8 5G लॉन्च होने वाला है उसके साथ ही स्मार्टफोन की अनाउंसमेंट हो जाए, या उसके साथ ही ये स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जाए इंडिया में। बट ज्यादा चांसेस आपके इसके मई मंथ में है, तो देखते हैं कि मई के मंथ में ये कितनी प्राइस के साथ लॉन्च होता है इंडिया में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप अपने वाले अपडेट को मिस ना करें।